तो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज, आज के वीडियो में करने वाले पबजी लाइट क्लासिक का एक सोलो मैच गाइज, तो जिसमें मेरी पिछली वीडियो नहीं थी, प्लीज़ आगे देख लीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो प्लीज़ देखिए गाइज। और चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो गाइज हम चलते हैं सीधा पहले पायलट प्लाजा। तो गाइज वहाँ पे पीछे बंदे तो होते हैं पर वो थोड़ा लेट उतरते, पता नहीं क्यों, तो मैं पहले उतर जाता हूँ। और गाइस यहाँ पे तो मैक्सिमम मतलब बंदे आते नहीं है, मतलब एक ही बंदा आता है। और उसमें से एक तो बॉट ही होता है गाइस। चलो लूट करते हैं पहले, देखते हैं कुछ है तो। तो गाइस गन तो नहीं मिली अच्छी खासी अभी तक, पिस्टल से क्या मारेंगे किसी बंदे को। गाइस बैरल खतरनाक, सॉरी गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा आ रहा हो या फिर कुछ साउंड आ रहा हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बालकनी में बैठा हुआ और एयर तो बहुत है, हवा तो बहुत आ रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बंदा है कहाँ और यहाँ से मुझे आता है बंदा, मतलब ये बहुत अच्छा मैं बोलता हूँ भाई, लेकिन पिस्टल से मारता ही नहीं है। और पीछे में एक बंदा होता है गाइस जो कि बाद में हमारे ऊपर पुश करेगा, जो आपको पीछे से फायरिंग के साउंड आ रहे होंगे। वो तो सामने भी होता है एक, वो शायद से पता नहीं किसका फुटस्टेप आता है, लेकिन सामने होता है ऐसा लगता है, लेकिन पीछे रहता है ये बंदा होता है, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है लूटने के बाद, इसलिए स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि ये डिस्कनेक्टेड है। तो इसको भी हम निपटा देते हैं और लूट के चलते हैं। तो बस देखते रहिए गाइस, तो यहाँ पे हमें स्कारब भी मिल चुकी है अच्छी खासी, घर है पैन भी मिल चुका है। तो गाइस ये तो हो गया बहुत लूटना, और मुझे तो पता था कि एक दो बंदे आए थे, वो भी एक पता नहीं कहाँ है और एक को हमने निपटा दिया जो कि डिस्कनेक्टेड था। तो गाइस मैं पहले देखता हूँ कि कहीं स्नाइपर तो नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन गाइस इस बार तो मुझे स्नाइपर मिलती ही नहीं है। और जब भी मैं वीडियो नहीं बनाता रहता ना, तब तक गाइस स्नाइपर बहुत ख़तरनाक मिलती है, M24 Kar98 और ड्रॉप में भी AWM मैक्सिमम टाइम मिलती है मुझे, लेकिन जब वीडियो का टाइम आता है तब तो बनती नहीं है गाइस, मिलती नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं लूट के चलता हूँ, मैंने ये लूट लिया था पहले ही, लेकिन चलता हूँ सीधा सामने गाइस, देखते देखते जाता हूँ मैं कि बंदा है या नहीं या नहीं है। और सामने एक कार खड़ी है, तो गाइस मैं यहाँ पे बॉट फायर करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई बंदा होगा तो आएगा पुश करेगा, लेकिन गाइज एक बंदा नहीं होता पुश करने लायक। तो गाइज मैं चलता हूँ सीधा सामने। तो गाइज 40 बंदा लाइव है 60 में ऐसे, इसमें से एक है मतलब 39। तो गाइज यहाँ पे बस हमारे 2 किल हो चुके हैं बस, तो हम अच्छे खासा किल निकाल सकते हैं, अभी भी हमारे पास चांस है गाइज, तो देखते हैं। गाइस कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि मेरा गेमिंग सेशन अच्छा नहीं है, फिर गेमिंग की कोई मैचेस अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ बताइए, मैं दूसरे गेम पे या फिर कुछ फनी वीडियोस कुछ भी जो आपको चाहे वो बना सकता हूँ या आपको आपके लिए ला सकता हूँ, तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे जोन भी था, और स्कूल में बंदे ना हो या फिर बॉट ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता गाइस।
तो मैं चलता हूँ सीधा यहाँ पे लूटता हूँ, क्योंकि मेरे से लूट तो बहुत बेकार थी गाइस। तो गाइस यहाँ पे लूटते लूटते ना, हर बार जो आपको पता ही है कि सामने में एक डिस्कनेक्ट बंदा होता है, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं लूटते लूटते जाता हूँ बहुत सामने, और यहाँ पे जोन चेंज हो जाता है। तो गाइस जोन चेंज होने के बाद ना मैं सीधा नीचे उतर आता हूँ गाइस। तो जैसे ही भी नीचे उतरा तो आपको पता ही है कि बंदे है या नहीं, मैं ऐसे स्पॉट करने लगता हूँ। वैसे पीछे से फायरिंग आती है वो बॉट जो कि हर बार खड़ा होता है, तो वैसे ही आता है। तो इसको मारते ही एक बंदा भी आ जाता है पीछे से, उसको लगता है कि वो थर्ड पार्टी कर देगा, तो उसको पता कि मैं तो पूरा फ्री हूँ। तो वैसे वो आता है लेकिन तो उसको हम बजा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे और 2 किल हो चुके हैं और 34 बंदे अलाइव हुए, मतलब 33 उसमें से एक हम हैं। तो गाइस चलते सीधा गाड़ी लेके निकलते हैं उसके बाहर। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे मैं ढूंढते ढूंढते गाइस बंदे को मतलब बहुत सामने आ जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे रेड जोन था और बंदे भी बहुत थे। ये तो बहुत बेकार चीज़ हो गई गाइस। और गाइस मैं यहाँ पे ड्रॉप लूटता हूँ, और ड्रॉप में क्या मिल रहा है देखिए। ओह शिट, आरपीजी गाइस, आरपीजी को यूज नहीं करता। तो गाइस यहाँ पे रेड जोन था और फायरिंग का साउंड आ रहा था, तो मैं पहले सेफ होता हूँ रेड जोन से, लेकिन मैं तो भी पुश करता हूँ बंदों की तरफ, क्योंकि आपको अभी सामने दिख जाएगा एक बंदा, आपको दिख रहा होगा वो शेल्टर की तरफ सामने जाता है। लेकिन जैसे मैं गाड़ी चलाने जाता हूँ वो फिनिश हो जाता है, और सामने एक बंदा होता है जो कि बहुत ख़तरनाक ही फायर करता है हमारे ऊपर, लेकिन उसकी बुलेट लगती नहीं है, और वो भी हम पे पुश कर देता है और हम भी कर देते हैं। तो गाइस इसको गदर वाला इंटर दिया, इसकी पहली लेवल हेल्थ बहुत कम थी गाइस। तो गाइस यहाँ पे मिल जाती है कार 98। तो गाइस 6x तो था ही, कार 98 किसको नहीं चाहिए गाइस। और पीछे से एक बंदा आता है जिसको हम निपटा देते हैं। पहले तो मेरे पास 2x ही रहता है इसमें, तो गाइस पहले हम इसे एक डैमेज देते हैं। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि क्या इसको पहले निपटा देते हैं और चलते हैं सामने दूसरे बंदों को मारते हैं। लेकिन गाइस आपको तो पता है, तो यहाँ से मैं स्कोप चेंज कर लेता हूँ गाइस, और पहले सब सेटअप कर लेता हूँ कि 4x वगैरह किधर लगाना है, स्कोप वगैरह कहाँ लगाना है, और चलते हैं सामने बंदों को पेलने। तो गाइस आप देख रहे होगे कि मेरे पास कारंटी की एमओ बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस चलते, क्योंकि हमारे पास सब कुछ सफिशेंट है गाइस, बहुत अच्छा है। लेकिन सामने से एक बंदा आता है जिसको हम एक ही शॉट में निपटा देते, वो तो उसको तो फायर करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो गाइस यहाँ पे तो हमने इसको निपटा दिया और लूटते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए थी 5 PMO, क्योंकि आपको तो पता है मैं 5 KMO हर बार ज़्यादा ही उठाता हूँ, और सॉरी गाइस कम ज़्यादा आवाज़ हो रहा होगा। तो मैंने कारनेट की एमओ ड्रॉप कर दी, और उससे ज़्यादा ही हो गई, 150 MO तो चाहिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे हो गई ड्रॉप, और चलते गाइस सामने बंदों को मारने। इस गाड़ी से तो हम निकल चुके हैं, और आपको दिख रहा होगा कि बॉट फायर आ रहा था सामने से, और मुझे चाहिए था किल। फिर वो किल कैसे मिलते वो फ़र्क नहीं पड़ता, बॉट रहो या कोई भी बंदा रहो। तो गाइस यहाँ पे तो मैं किल का भूखा हूँ, तो मैं आ जाता हूँ सामने, तो मैं चलता हूँ सीधा सामने लूटने के लिए। सॉरी यार कुछ गलत भूल गया, लेकिन मैं पीछे एक बंदा, पर गाइस ये भी बंदा नहीं है, ये बॉट था, ये वही बॉट था जिसको हम ढूंढ रहे थे गाइस। तो गाइस यहाँ पे मुझे तो 8 किल हो चुके हैं और 16 बंदे अलाइव हैं। तो गाइस और 4 तो किल निकल जाएंगे 16 में से, आई थिंक सो 4 से 5 किल हम निकाल सकते हैं गाइस। वैसे ही मुझे यहाँ पे सामने ना फायरिंग का साउंड आता है, क्योंकि मैं टाउन वहीं पर था, जोन भी वही था, तो हम चलते सीधा उसे मारने। तो गाइस यहाँ पे फायरिंग का साउंड आता है जैसे ही मैं गाड़ी रोकता हूँ गाइस,
तो मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि सामने से पानी का साउंड बहुत गदर वाला जा रहा था, एकदम खतरनाक। और गाइस यहाँ पे एक बंदा मतलब उसका ध्यान नहीं था, वो तो पूरा बचने में था, क्योंकि एक बंदा उसको बहुत गदर वाला ही मारा था, उसका टोटल डैमेज था। तो गाइस ये बंदा आता है पीछे दौड़ के, और दूसरा बंदा गाइस इतना खतरनाक था, कैंप वैम्प कर रहा था, मतलब बाहर निकलने के नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने चारों तरफ चेक किया लेकिन वो बंदा निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और जोन भी आ चुका था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जोन बहुत डैमेज का और उसके हाथों मर जाऊँ, तो समझदारी किसी में तो भाग लेते। तो गाइस यहाँ से तो हम भाग गए, और यहाँ पे हम आ चुके हैं सिटी में गाइस, सिंह डेल्टा के सिटी में गाइस। तो यहाँ पे मैं ट्रिपल स्टोरी के पास रुका देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ट्रिपल स्टोरी के पास आसपास जोन बन जाता है, और यहाँ से व्यू अच्छा है जो कि बंदे को मार सके। तो गाइस यहाँ पे हमारे 9 किल हो चुके हैं, और देखते सामने कितने किल होते हैं। तो गाइस यहाँ पे तो मैं झुक गया, क्योंकि मुझे फर्स्ट एड किट चाहिए थी, मैं वैसे तो मेरे पास बहुत सफिशेंट है गाइस, लेकिन मैंने पे यहाँ पे सेटिंग्स मेरी थोड़ी कम थी, क्योंकि मुझे चाहिए थी। और सामने आपको एक बंदा जोन सी मर गया, और पीछे में फायरिंग बहुत खतरनाक थी, और जैसे कि मेरी किस्मत कि बन जोन हर बार इसके ट्रिपल स्टोरी के पास ही बन रहा है, और बाय मिस्टेक में नीचे गिर गया गाइस। तो मैं क्या करता हूँ कि गाइस मैं चलता हूँ ऊपर, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बंदे कहाँ, क्योंकि मुझे अभी तक बंदे एक भी स्पॉटेड नहीं है, और 9 बंदे आ रहे थे जिसमें से हम एक है। सॉरी गाइस मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन गाइस जैसे ही मैं सामने आता हूँ तो एक बंदा जो है ना, मैं पहले देखता हूँ कि कहाँ है बंदा, भी उसके साइड से फायरिंग होकर पीछे से। तो गाइस मैं बंदे को, तो गाइस बंदे को तो हमने स्पॉट नहीं किया था, लेकिन जब वो फायर करता है ना, वो बंदा स्पॉट किया था, और हम उसे, तो गाइस जाकर बंदे को मैं हेड ही ट्राई करता हूँ। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बंदे मरते नहीं है जल्दी, तो मैं हेड ट्राई करता हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक उसमें बंदे बच भी जाते हैं। सॉरी गाइस बहुत बेकार है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो ऐसे गाड़ी में पाया तो सॉरी। तो गाइस यहाँ से मुझे दिखता है एक बंदा जिसको मैं फायर करता हूँ बहुत, पर एक भी मिस, मतलब सब मिस हो जाते, एक भी गोली नहीं लगती। तो गाइस बंदे तो मिस हो गए थे, लेकिन गाइस क्योंकि 2 किल तो हम निकाल ही सकते थे गाइस, क्योंकि 4 बंदे लाइफ है, और मैंने यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट किया, मुझे पहले ही रश कर देना चाहिए था गाइस, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बंदे को मार सकूँ। तो गाइस जोन चेंज हो चुका था, और मुझे बंदे भी एक दो दिख गए थे, और मैंने सोचा कि गाइस पहले पुश करते पीछे साइड में, क्योंकि सब बंदे सामने थे। बाय मिस्टेक मेरा यहाँ पे पैर फिसल जाता है, और मैं नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन गाइस मैं कवर में आ जाता हूँ, और मुझे बंदे तो पहले स्पॉट हो गए थे, जैसे कि आपने देखा कि सामने एक बंदा था, और पहले तो मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ, लेकिन मुझे तब ध्यान जाता है कि राइट साइड में बंदा है, और मैं इसमें कवर ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास स्नाइपर का इस यहाँ पे काम आ जाता है। तो गाइस पहले तो मैं बॉडी देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे बंदा हो जाता है प्रोन। तो गाइस बंदा फिर से उठ गया, फिर से एक बॉडी, और ये मर गया। तो गाइस 2 बंदे अलाइव है, जिसमें से एक सामने वाला है, ये ऐसा जता रहा था कि मैं बॉट हूँ, मतलब वो बंदा बॉट है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि लास्ट जोन में कौन आता है गाइस, बॉट कौन सा आता है, वो क्या आता है उसके अंदर, लेकिन मैंने उसका एडवांटेज ले लिया। और गाइस इसी तरह हमारा हो जाएगा चिकन डिनर। तो गाइस होप जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ देख लीजिए गाइस, आप सब आपके हाथों में। तो गाइस ये वीडियो तो हमने अच्छी खासी जीत ली है, और बस यही कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जिसने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी प्लीज़ अगर देख लीजिए गाइस, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा आपके जैसे मैं हूँ। तो गाइस ये हो चुका है हमारा मैच ख़त्म, होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।